हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। क्या आप साबूदाना की खिचड़ी, पूड़ी, पराठे खाकर बोर हो गए हैं? तो चलिए बनाते हैं एकदम न्यू रेसिपी, चटपटा और टेस्टी साबूदाने की चाट। आप इसे व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। चाट बनाने के लिए लेंगे 1 कटोरी भिगोया हुआ छोटा वाला साबूदाना। आप मीडियम साइज वाला साबूदाना भी ले सकते हैं। साबूदाना अच्छे से 2-3 बार पानी से धोकर, जितना साबूदाना लिए हैं उतना ही पानी डालकर इसे भिगा दिया। और ये देखिए अच्छे से फूल गया है। जिस कटोरी से साबूदाना लिए हैं उसी कटोरी से लेंगे बॉयल किया हुआ 1 कटोरी आलू। इसे पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं। आप आलू के जगह पे कच्चा केला बॉयल करके ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 4-5 हरी मिर्च, एकदम बारीक कटा हुआ। ये रेड दिख रहा है मिर्च, ये भी ताजा ही है इसलिए साथ में काट लिए हैं, कलर बहुत सुंदर दिखेगा। और 1/2 इंच अदरक ग्रेट किया हुआ। आप अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं बारीक काट कर। ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया, 1 टीस्पून दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे सेंधा नमक, ये व्रत वाला नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ भुना मूंगफली। साबूदाने के साथ मूंगफली का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे जरूर डालिएगा। और मूंगफली से टिकिया में क्रिस्पीनेस आएगा और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब इन सारी चीजों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल और एकदम आसान सा रेसिपी है दोस्तों, और बहुत ज्यादा टेस्टी, एकदम चटपटा सा बनता है। आप भी नवरात्र पे बनाइए या कभी भी बनाइए, सभी को घर में बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारे चीजों को अच्छे से मसल कर मिक्स कर लिए हैं। अब इसका टिकिया तैयार करेंगे। चम्मच से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, या आपको जिस साइज या शेप का बनाना है आप बना सकते हैं। और हाथ में तेल लगा लेंगे और इस तरह से टिकिया का शेप दे देंगे। और इसे बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे, इसे हमें फ्राई नहीं करना है, इसे सेकेंगे। हमारे यहाँ नवरात्र में फ्राई नहीं किया जाता है, तो इसे तवा पे सेक लेंगे। मोटा रहेगा तो थोड़ा बीच में कच्चा रह सकता है। आप अगर फ्राई करके बना रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा भी टिकिया बना सकते हैं। और इसी तरीके से सारा टिकिया तैयार कर लेंगे। 6-7 टिकिया तैयार कर लिए हैं, अब इन्हें सेक लेंगे। टिकिया सेकने से पहले चलिए एक चटपटा सा चाट के लिए चटनी बना लेते हैं। ग्राइंडिंग जार में लेंगे हरा धनिया, 2-3 हरा मिर्च, 1/2 इंच अदरक, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ मूंगफली। इससे चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 10-12 कड़ी पत्ता, 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। और इसमें मिर्च थोड़ा ज्यादा ही डालकर पीसिएगा, चाट के लिए चटनी बन रहा है तो थोड़ा तीखा ज्यादा अच्छा लगता है। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे नमक, वैसे नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा। थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसे चिकना पीस लेंगे। टेस्टी चटपटा चटनी बनके तैयार है। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए चटनी, मजा ही आ जाएगा। अभी नवरात्र चल रहा है, इस तरीके से चटनी बनाकर किसी भी चीज के साथ खाइए, टेस्ट दोगुना हो जाएगा। गैस पे रखेंगे तवा और इसमें डालेंगे तेल। तेल आप जो भी व्रत में खाते होंगे उसे आप ले सकते हैं, या आप इसे घी में भी सेक सकते हैं। तेल अच्छे से तवा पे फैला लेंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब टिकिया उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। जितना तेल में टिकिया आ जा रहा है उतना डाल लेंगे और इसे 2 मिनट एक साइड से सिकने देंगे, फिर इसे पलटेंगे। टिकिया ऊपर से ड्राई हो गया है और किनारे किनारे से गोल्डन भी दिखने लगा है, अब इसे पलट लेंगे।
टिकिया दोनों साइड से पलट पलट कर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। टिकिया दोनों साइड से सिक गया है, गोल्डन भी हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। अब इसे किनारे कर देंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। एक चम्मच तेल और तवा पे ले लिए हैं और इसमें डाल देंगे बचा हुआ टिकिया। जब आप आयरन के तवे पे टिकिया बनाइएगा तो थोड़ा सा फर्स्ट राउंड में चिपकता है, हल्का सा। फर्स्ट राउंड टिकिया सिकने के बाद तवा चिकना हो जाता है तो कोई भी मुश्किल नहीं होता है, टिकिया आसानी से सिक जाता है। आप टिकिया नॉन स्टिक तवा में भी सेक सकते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये टेस्टी सा और चटपटा रेसिपी कैसा लगा। पहले से सिका हुआ सारा टिकिया एक बर्तन में निकाल लेंगे और बस इसी तरीके से सारा टिकिया सेक कर तैयार कर लेंगे। क्रिस्पी टिकिया बनके तैयार है, ये देखिए कितना करारा बना है। आप इसे ऐसे ही चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए हम बना लेते हैं चाट। आज चाट थोड़े डिफरेंट तरीके से सर्व करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार टिकिया के ऊपर ही दही डाला जाए। ये है दही, चीनी डालकर 2 चम्मच इसे अच्छे से फेंट लिए हैं। हल्का सा इसे फैला लेंगे, दही के ऊपर रखेंगे चटनी, इसे भी हल्का सा फैलाएंगे। इसके ऊपर डालेंगे भुना हुआ जीरा, ये कूटा हुआ है, इसके ऊपर रखेंगे सेका हुआ टिकिया, थोड़ा सा इसके ऊपर चटनी डाल देंगे। इसके ऊपर डालेंगे इमली की चटनी, ये इंस्टेंट इमली की चटनी है दोस्तों, इसका लिंक आपको आई बटन पे आ रहा होगा। ये झटपट बनके तैयार हो जाता है। थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ मूंगफली, थोड़ा सा डालेंगे अनार, थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया। आप इन सारी चीजों में से व्रत में अगर कुछ भी नहीं खाते होंगे तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। टिकिया सेकते समय बस एक दो बातों का ध्यान रखिएगा, फ्लेम लो मत कीजिएगा, नहीं तो साबूदाना है तो साबूदाना बहुत ज्यादा तेल सोख कर लेगा। आप इसके ऊपर काला नमक भी डालकर खा सकते हैं अगर आप व्रत में खाना पसंद करते हैं। टेस्टी चटपटा चाट बनके तैयार है दोस्तों, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा।